जो मोदी का बयान है उसको लेकर क्या कहूँगा? देखो मोदी पर ना तो हमने विश्वास और ना वो विश्वास लायक, उसने किसाना गल आम आदमी गल हर बार धोखा करा है, क्योंकि उसने बोला था 15 लाख रुपए दुआऊंगा और विकास कराऊंगा, मतलब बूढ़े की पेंशन करवाऊंगा, हर चीज उसने हर बार धोखा करा। हमने इस चीज पे 1% भी विश्वास को नहीं, जब तक हमने लिखित आश्वासन नहीं मिलता कि हम पीछे नहीं हटाएंगे, क्योंकि वो चाहे है भी सर किसान उठ जाए बॉर्डर पे तय और ये सफल हो जाए, लेकिन हम यह इसकी कहानी सफल नहीं होने देंगे। एमएसपी जब तक देखो हमारे काले कानून वापिस एमएसपी पे कानून, और जो हमारे 45,000 केस है किसानों पे, और जो हमारे नागलोई में मतलब कम तक हम 1,012 वाहन है वहाँ पे, जब तक वे वापिस नहीं होंगे जब तक हम पीछे नहीं हटाएंगे, जब तक वहाँ पे डटे रहोगे। और 700 से ज्यादा किसानों की जो शहादत हुई उसको लेकर देखो 750 की शहादत, देखो वह तो हुआ कुर्बानी तो उन खत्म हमारी एक याद है, लेकिन हम उसने व्यर्थ नहीं जान दे, जब तक हमारे एमएसपी पे कानून और लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिलता इतने हम पीछे नहीं हटेंगे, और हमारे किसानों की शहादत हम बेकार नहीं जान देंगे, ना इतने हम पीछे हट दे। आगे भी चलेगा ये आंदोलन? हाँ बिल्कुल आगे भी, क्योंकि नहीं हमने यह बोल रखा है जब तक लिखित में आश्वासन, क्योंकि यह सरकार हर बार धोखा करने लग रही है, जब तक हमने लिखित में, क्योंकि शीतकालीन सत्र होने वाला है, जब तक हमने लिखित में नहीं आश्वासन मिलता इतने में इसकी बात का, क्योंकि विश्वास का लायक है को नहीं मोदी, इसने हर बार आम आदमी गलत किसान गलत धोखा कराया है।